지난 2년 많이 답답했어요. 생각은 계속 깊어져가고 우린 언제쯤 만날 수 있지라는 불안감에 생각이 정리가 잘 안 됐던 시간이었던 것 같아요. 빨리 만나볼 수 있었으면 좋겠다. 공연도 좀 하고 싶고 아미분들도 좀 보고 싶고 그 실탄 공항도 한번 가보고 싶고 다시. Welcome back to another new video BTS Army. Oh my god, our wait is finally over. The moment we all were waiting for is finally here. As just few minutes ago, BTS highly anticipated movie Beyond the Star is out now on Disney Plus Hotstar. And I must say the movie is full of surprises. It's amazing. And in this clip, Kim Taehyung can be seen talking about BTS contract renewal uncertainty. There was a time when BTS contract was about to end and Taehyung was in dilemma. What if he would never see us? So just like this clip, entire movie is full of emotions and excitement. Hope you would see it. अगर इंडियन BTS आर्मी आपको हिंदी में बताऊं तो आपका इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है क्योंकि BTS की हाईली एंटिसिपेटेड मूवी बियॉन्ड द स्टार्स आज रिलीज हो चुकी है। कुछ ही मिनट पहले डिज्नी हॉटस्टार पर मूवी को रिलीज कर दिया गया है और इसकी छोटी छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और ये उसी क्लिप में से है जहाँ किम तेयोंग BTS के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर बात कर रहे हैं कि किसी को नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे कि नहीं और इसीलिए किम तेयोंग को लग रहा था कि अब वो शायद कभी आर्मी से मिल नहीं पाएंगे और इस तरह उनकी दो साल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और परेशानियों रही। वो हर वक्त यही सोचते रहते थे कि क्या वो आर्मी से मिल भी पाएंगे कि नहीं, कहीं BTS डिसबैंड तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अंत में सब कुछ सही हुआ, BTS ने अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे 7 सालों के लिए और रिन्यू किया। आगे मूवी में इस तरह के और भी सीन्स और अनशेयर्ड स्टोरीज की भरमार है, तो आप लोग मूवी को जरूर देखिएगा।